गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास टेंथ के साइंस के एनसीईआरटी बुक का देखिए अध्याय 6 जैव पराक्रम यानी लाइफ प्रोसेस का हम लोग आज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैव पराक्रम बायोलॉजी का पहला चैप्टर एनसीईआरटी बुक का ये 6 अध्याय है। एनसीईआरटी बुक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको आप कॉपी पर नोट करते जाइएगा, यहीं से आपके एग्ज़ाम बिहार बोर्ड 2024 में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है। ऑप्शन एक देखिए दिया हुआ है, वे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से तथा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल को उपस्थिति में कर लेते हैं। बी ऑप्शन है, वे कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में भंडारित रखते हैं। ऑप्शन सी है, वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। डी है, वे आहार श्रृंखलाओं में पृथक पोषी स्तर बनाते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन जो है सी, ये हो जाएगा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कहता है, जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मशरूम, हरे पौधे अमीबा। ऑप्शन बी है ईस्ट मशरूम, ब्रेड का फफूंद। ऑप्शन सी है पैरामीशियम अमीबा और अमरबेल। ऑप्शन डी है अमरबेल जो फीता क्रीमी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईस्ट मशरूम और ब्रेड की फफूंद जो है वो खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर अवशोषण कर लेते हैं। नेक्स्ट में तीसरा क्वेश्चन देखिए कहता है, सही कथन को चुनिए। सही कथन को चुनिए। ऑप्शन ए है, विषम पोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते। ऑप्शन बी है, विषम पोषी प्राणी प्रकाश या संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सौर ऊर्जा प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन सी है, विषम पोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं। और ऑप्शन डी है, विषमपोषी प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेटों में बदलने का समर्थ होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें देखिए विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए कहता है, मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा होगा। ऑप्शन ए देखिए, मुख, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत से ग्रासिका, ग्रासिका से बड़ी आंत। ऑप्शन बी है, मुख से ग्रासिका, ग्रासिका से आमाशय, आमाशय से बड़ी आंत और बड़ी आंत से छोटी आंत। ऑप्शन सी है, मुख, मुख से आमाशय, आमाशय से ग्रासिका, ग्रासिका से छोटी आंत और फिर बड़ी आंत। ऑप्शन डी देखिए, मुख से ग्रासिका, ग्रासिका से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत और फिर बड़ी आंत। तो सही आंसर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। मानव के आहार नाल के विभिन्न भाग का सही क्रम कौन सा हो जाएगा, पहले मुख, फिर मुख से ग्रासिका, ग्रासिका से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यदि लार एमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी। ऑप्शन ए है, प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में विघटन होना। ऑप्शन बी है, स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना। ऑप्शन सी है, बसाओं का अम्ल बसा अम्लों और ग्लिसरॉल में विघटित होना। और ऑप्शन डी है, विटामिनों का अवशोषण। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्चों का शर्कराओं में विघटित होना। 6 क्वेश्चन है, आमाशय का अस्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है। सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है पेप्सिन, बी है सलेस्मा, सी है लार एमाइलेज और डी है पित्तरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सलेस्मा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है। ऑप्शन ए है आमाशय, बी है छोटी आंत, सी है बड़ी आंत और डी है ग्रासिका। तो इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। 8 है, आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी पर डाली गई है। चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया, इससे पता चलता है कि चावल के पानी में ऑप्शन ए है जटिल प्रोटीन होती है,
सरल प्रोटीन होती है, बसाएं होती है या स्टार्च होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टार्च होती है। नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है? ऑप्शन ए है आमाशय, बी है मुख गुहा, सी है बरियात और डी है छोटी आत। तो सही आंसर इसका हो जाएगा छोटी आत, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दस में कहता है अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन प्रोटीनों को पचा देता है और लाइपेज कार्बोहाइड्रेटों को, बी है ट्रिप्सिन पायसीभूत बसाओं को पचा देता है और लाइपेज प्रोटीनों को, सी है ट्रिप्सिन और लाइपेज बसाओं को पचा देता है, डी है ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज पायसीभूत वसाओं को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 में चूने के पानी से भरी परख नली को जब मुख द्वारा फूका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? ऑप्शन ए देखिए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन और डी है जलवाष्प। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ, ईस्ट में अवयवीय अभिक्रियाओं का सही क्रम क्या होता है? ऑप्शन ए देखिए ग्लूकोज से कोशिका द्रव्य, पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, बी है ग्लूकोज कोशिका द्रव्य, पायरूवेट कोशिका द्रव्य और लैक्टिक अम्ल, सी है ग्लूकोज कोशिका द्रव्य, पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया लैक्टिक अम्ल, ग्लूकोज कोशिका द्रव्य, पायरूवेट कोशिका द्रव्य, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी इसका, देख लीजिएगा इसको स्क्रीनशॉट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 में कहता है वायवीय श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए देखिए ग्लूकोज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, पायरूवेट है, कोशिका द्रव्य, फिर CO2 और H2O प्लस ऊर्जा, बी है ग्लूकोज कोशिका द्रव्य, पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया, CO2 H2O और ऊर्जा, सी है ग्लूकोज कोशिका द्रव्य, पायरूवेट प्लस ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया, CO2 प्लस H2O। इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन डी, ग्लूकोज कोशिका द्रव्य, पायरूवेट प्लस ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा होगा। ठीक है, तो 13 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 में कहता है श्वसन के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शन ए है अंतः श्वसन के दौरान पसलियाँ भीतर की तरफ चली जाती है और डायफार्म ऊपर की तरफ उठ जाता है, बी है कुपिकाओं के भीतर गैसों का विनिमय होता है अर्थात कुपिकाओं की वायु की ऑक्सीजन विसरित होकर रुधिर में पहुंच जाती है और रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर कुपिकाओं की वायु में चली जाती है। तो ये ऑप्शन तो सही है। तीसरा देखिए, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अधिक बंधुता होती है। ऑप्शन चार है कुपिकाओं के कारण गैसों के विनिमय के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाता है। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन दो भी सही है और चार भी सही है। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दो और चार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 में कहता है अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है नासा द्वार से कंठ, कंठ से ग्रसनी, ग्रसनी से श्वसनली और फिर फेफड़े, बी है नासा मार्ग से नासा द्वार, फिर श्वासनली, फिर ग्रसनली, फिर कंठ कुपिकाएं, सी है कंठ, कंठ से नासा द्वार, फिर ग्रसनली, फिर फेफड़े। सही आंसर देखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, नासा द्वार से ग्रसनली, फिर कंठ, फिर श्वासनली, फिर कुपिकाएं। तो 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 16 में देखते हैं श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है? फेफड़ों की कुपिकाओं में, यानी कि ऑप्शन देखिए 16 का हो जाएगा बी सही। हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है बायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजनित रुधिर शरीर प्राप्त करता है जबकि दायां अलिंद फेफड़ों में भी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, सही हम लोग को देखना है यहाँ पे। उसके बाद बायां निलय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देते हैं जबकि दायां निलय बी ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों में पंप कर देता है। तो सही आंसर देखिए इसका दो भी हो जाएगा। तीसरा है बाएं अलिंद में से
ऑक्सीजन रुधिर दाएं नलिका में चला जाता है और जो इस रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेज देता है। ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ। यदि चौथा में दिया हुआ दायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों से भी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है जबकि बायां निलय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है। तो इसका चौथा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए एक और चार दोनों ऑप्शन सही किस में दिया हुआ। ए में दिया हुआ केवल ए, बी में है दो, सी में देखिए दो और चार दोनों, यानी कि ऑप्शन जो है उसका सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है। ऑप्शन ए है हृदय के भीतर स्थित कपाट। तो सही आंसर तो ए ही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए 19 में एकल परिसंचरण अर्थात शरीर में होकर एक चक्र के दौरान रुधिर का हृदय में होकर केवल एक बार प्रवाहित होना निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है। ऑप्शन ए देखिए लेबियो कैमलियन साइलामेंडर, बी है हिप्पोकैम्पस एक्जोसिटस एनाबस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए निम्नलिखित कशेरुकी समूह या समूहों में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है। ऑप्शन इसका ए देखिए पिसिज एवं एम्फीविया, बी में है एमिफीविया और सरीसृप, सी है केवल एमिफीबियन प्राणी और डी है केवल पिसिज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल पिसिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 में कहता है धमनियों का वर्णन करने के लिए सही कथन को चुनिए। धमनियों का वर्णन करने के लिए सही कथन को चुनिए। ऑप्शन ए है इनकी भित्तियाँ मोटी और प्रत्यास्थ होती है, इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है, ये विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित कर के वापस हृदय में पहुंचाती है। ऑप्शन इसका बी देखिए इनकी भित्तियाँ पतली होती है और इनके भीतर कपाट होते हैं, इनमें रुधिर कम दाब के साथ बहता है और ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। ऑप्शन सी है देखिए इनकी रुधिर मोटी और प्रत्यास्थ होती है, इनमें रुधिर कम दाब के साथ बहता है, ये रुधिर को हृदय से ले जाकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। डी है इनकी भित्तियाँ मोटी और प्रत्यास्थ होती है, इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है और ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा 21 का डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए ब्रीकों की निस्यंदक इकाइयों को कहते हैं। ऑप्शन ए है मूत्रनली, बी है मूत्रमार्ग, सी है न्यूरॉन और डी है नेफ्रॉन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी नेफ्रॉन। 23 में है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है जल, बी है क्लोरोफिल, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है ग्लूकोज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 23 का देखिए ए जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 में कहता है ऊतकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है जल, सी है हीमोग्लोबिन और डी है ऑक्सीजन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है जीव समय के साथ वृद्धि करते हैं, जीवों को अपने शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करते रहना चाहिए तथा उसे अपनी संरचनाओं को बनाए रखना चाहिए, सी में है कोशिकाओं में अणुओं की गति नहीं होती। ऑप्शन सी हो जाएगा सही इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 में कहता है स्वपोषी में निश्चित रहने वाली यांत्रिक कोशिकाएं ऊर्जा किस रूप में होती है। ऑप्शन ए है ग्लाइकोजन, बी है प्रोटीन, सी है स्टार्च और डी है वसा अम्ल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 27 में निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है। ऑप्शन ए देखिए है दिया हुआ 6CO2+12H2O प्लस C6H12O6+6O2+6H2O, बी है 6CO2+H2O प्लस सूर्य का प्रकाश और ये बनाता है ग्लूकोज यानी C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। उसके बाद सी में है 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O प्लस क्लोरोफिल प्लस सूर्य का प्रकाश बनाता है ग्लूकोज 6H2O+6H2O। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका। 28 में कहता है उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं है। ऑप्शन ए है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में
कार्बोहाइड्रेटों में अपचयन, ऑप्शन सी है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन, और ऑप्शन डी है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 में कहता है पौधों में रंध्रों का खुलना तथा बंद होना निर्भर करता है, ऑप्शन ए है ऑक्सीजन पर, बी है तापमान पर, सी है द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर, और डी है रंध्रों में CO2 की सांद्रता पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 में कहता है अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं, ऑप्शन ए है प्रोटीन, दूसरा है नाइट्रेट एवं नाइट्राइट, और तीसरा है यूरिया, और चौथा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा 2 और 3, यानी कि नाइट्रेट एवं नाइट्राइट और यूरिया 2 और 3 किस ऑप्शन में, देखिए बी ऑप्शन में, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन, सेलुलोज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो सही आंसर इसका देखिए हो जाएगा सी एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 32 में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, नंबर ऑप्शन एक दिया हुआ पायरूवेट को ईस्ट की सहायता से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है, ऑप्शन दो है बायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन होता है, और ऑप्शन चार है किण्वन अवयवीय श्वसन का ही एक रूप है। इसका देखिए ऑप्शन जो है 1 और ऑप्शन 4 सही है, 1 और 4 देखिए सी में सही है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 में ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा इस कारण से होता है, ऑप्शन ए है पायरूवेट के एथेनॉल में बदलने के कारण, बी है पायरूवेट के ग्लूकोज में बदलने के कारण, सी है ग्लूकोज का पायरूवेट में ना बदलने के कारण, और डी है पायरूवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी पायरूवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण। 34 में है हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग सुनिए, ऑप्शन ए है ब्रेक से मूत्र नली, मूत्र नली से मूत्र मार्ग, और वहाँ से फिर मूत्राशय, ऑप्शन बी है ब्रिक से मूत्राशय, मूत्राशय से मूत्र मार्ग, फिर मूत्र नली, सी है ब्रिक से मूत्र नलियां, फिर मूत्राशय और मूत्र मार्ग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका। लास्ट क्वेश्चन है देखिए मानवों के उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरूवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, कोशिका द्रव्य, यानी कि ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा ए सही। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के 6th अध्याय बायोलॉजी का जैव पराक्रम के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।